राधा गिरिंद बिहारी देव जू की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि वो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशरसूम सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कपिलकृतं वाग्मयमृतं जगत्पिबती विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकोऽपि तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुत्पत्तमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यत सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती रहेत्। वन्देऽहं श्रीगुरोः वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुरकुरङ्गीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोङ्गरागस्वतः काश्मीरं तनशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तलहरी निर्व्याजमातन्वते वाञ्छाकल्पकरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कृत मंद मते दयान्तरा। तुलसी कारणम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र संदीप्तो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत दशम परिच्छेद 47वीं पया श्री मुरारी गुप्त के प्रसंग को निरूपण करती है। मुरारी गुप्त शाखा प्रेमी भंडार श्री मुरारी प्रेम के भंडार होकर के विराजमान है। प्रभु हृदय द्रवे सुनि दैन्य यार उनकी दीनता को सुन करके प्रभु का हृदय भी डूब जाता है। श्री महाप्रभु ने जयंती से कहा कि 100 जन्म के बाद में कृपा होगी तब भी नाचने लगे। इस आनंद में कि कृपा होगी ठाकुर ने वचन दिए इस बात को लेकर के नाचने लगे। कैसा उल्लास प्रतिग्रह ना करे ना लय कार धन। अब है तो गृहस्थी और गृहस्थी होकर के भी न तो किसी से दान ले प्रतिग्रह ले न किसी के धन को ले। आत्मवृत्ति करे कर करे कुटुंब भर और हाथ खुला जो भी आए उसकी सेवा करने के लिए विराजमान हो। आत्मवृत्ति करें
मन जैसे भी है वैसे किसी तरह से अपना केवल व्यवसाय करके करे कुटुंब भरण, कुटुंब का भरण पोषण करते हैं। अब महाप्रभु कह रहे भाई गृहस्थ होकर के इनको संग्रह करना चाहिए, गृहस्थी तो बिना संग्रह के चल नहीं सकता है, तो गृहस्थी को तो थोड़ा बहुत संग्रह तो करना ही पड़ेगा। और ये जैसे उदार होकर के काम कर रहे हैं ऐसे काम चलेगा नहीं। महाप्रभु ने एक बार श्री एक भक्त से कहेंगे मैंने उनसे कि इनके लिए सारी हिसाब किताब तुम रखा करो, ये कहा ये इनके ये तो सब खर्च कर देते हैं इसलिए इनका हिसाब किताब तुम भी रखा करो, ऐसे श्री महाप्रभु ने उस समय कहे। तो ये ऐसी अवस्था है, प्रेम के भंडार ग्रहण करते नहीं है और उस समय इनको संभाल ये आत्मवृत्ति करें, केवल व्यापार करके जितना भी मिल जाए उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण करें, चिकित्सा करें यारे हया सदे देह रोग भवरो द्वितार्क्ष, ये वैद्य भी हैं और वैद्य होकर के चिकित्सा करते हैं, दया रखते हुए चिकित्सा करते हैं और जिसकी चिकित्सा करें उसके देह के रोग को भी दूर करें और साथ के साथ में उसके भाव रोग को भी दूर करते, ऐसा बढ़िया वैद्य काम में रहते तो भक्ति का उपदेश भी देते और उसके रोग की औषधि भी दें अपनी तरफ से। तो देह रोग और भाव रोग दोनों का क्षय करें, ये श्रीमान सेन प्रभु प्रभाव सेवक प्रधान चैतन्य चरण बिना नहीं जाने आन, और श्रीमान सेन प्रभु जो हैं वे महाप्रभु के परम प्रिय सेवक होकर के विराजमान है। ये महाप्रभु के अतिरिक्त तो और कोई दूसरे को नहीं माने और किसी दूसरे को ये जानते नहीं। तो शिवानंद से ये जो कवि कर्णपुर के पिता हैं वे परम, तो श्रीमान से शिवानंद से ये ब्रज लीला में बीरा दासी होकर के विराजमान है, बीरा सखी होकर के, जैसे बीरा सखी सबको श्री प्रिया जी को लाल जी से मिला है, बीरा दूती होकर के विराजमान है, तो जैसे वो बीरा दूती मिला है ऐसे ही जितने भी गौड़िया देश के निवासी हैं गौड़ देश के उन सबों को साथ में ले जाए और साथ में ले जा करके महाप्रभु का दर्शन कराए। जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर श्री शिवानंद सेन ही सबको साथ में लेकर के जाए और सबको महाप्रभु का दर्शन कराए। तो जो ब्रजलीला में जैसा इनका स्वभाव है वही बीरा दासी का बीरा दूती का स्वभाव वही स्वभाव इनका उसमें भी विराजमान। और श्री मुरारी गुप्त इतने उदार हैं कि सबकी चिकित्सा करें, कोई पैसा दे जाए तो ठीक और इलाज के दवाई भी अपनी तरफ से दें और किसी से मांगे कुछ है नहीं। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि भाई ये तो परम उदार है और ये गृहस्थी ऐसे रखेगा तो कैसे काम चलेगा, गृहस्थी को तो संकलन करना भी चाहिए और कुछ ना कुछ आजीविका भी करनी पड़ेगी, संकलन भी करना पड़ेगा और ये संकलन कर नहीं रहे, इसलिए श्री शिवानंद सेन से को महाप्रभु ने विशेष रूप से आदेश प्रदान किया कि इनका हिसाब किताब तुम रखा करो और ये जो आता है उसको लुटा देती है, तो इनका हिसाब किताब भी तुम रखा करो, ऐसे उतार होकर के विराजमान। महाप्रभु के एक एक पद कर अद्भुत और भक्ति अद्भुत विराजमान।
श्री गदाधर दास शाखा सर्वोपरि काजीकरण मुखे यही बुलाए हरि। श्री गदाधर दास ये प्रधान होकर के विराजमान है। ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों के अनुगति में इनकी गणना है। दोनों में अत्यंत अत्यंत स्नेह है श्री गदाधर दास जी का, और जिन्होंने यवन काजी उससे भी हरि नाम बुलवाया। एक दिन काजी के पास में आए और कहा कि हरि हरि कहो, हरे कृष्ण कहो। उसने टाल दिया, बोले आज नहीं कल कहूंगा। पर कल पहुंच गए बाद छत पे चढ़ गए, बोले तुमने कहा था हरे कृष्ण कहो, हरि हरि बोलो। बोले अच्छा कल कहूंगा। तो तीसरे दिन भी पहुंच गए, ऐसा प्रभाव डाला। ठीक है अच्छा हरि हरि कल कहूंगा। बोले बोल तो दिया, बस ठीक हो गया। ऐसे ऐसे कृपा लो करके मेरा महाप्रभु के एक एक परिकार अद्भुत। और पीछे पड़ गए उसके, तीन तीन दिन तक पीछे पीछे पड़ गए हैं कि तुम हरि बोलो। और वो भी ऐसा भीट काजी, वो कह रहा है नहीं आई नहीं कल कहूंगा, कल आना। और फिर दूसरे दिन कल पहुंच जाएंगे भी ऐसे भीट शेर को सवा से उसके सामने पहुंच जाए। ऐसे कोई पीछे लगने वाला भी नहीं मिलेगा जैसे ही। और ये कह रहे हैं, फिर अंत में उसने कहा अच्छा आज नहीं कल कह दूंगा हरि हरि। तब बोले बस हो गया काम, तूने एक बार बोल तो दिया ना, हो गया काम। तो ऐसे कपाल होकर के विराजमान। तो श्री गदाधर दास परम प्रधान जनों ने यवन काजी के मुख से भी हरि नाम उच्चारण करवाया। श्री श्रीमान सेन प्रभु सेवक प्रधान, श्रीमान ये शिवानंद सेन प्रभु भृत्य अंतरंग, शिवानंद सेन ये भगवान के अंतरंग सेवक होकर के विराजमान है। प्रभु स्थाने याई थे सभी लोये यार संग, प्रभु के स्थान पर ले जाने के लिए सब लोग इनके अनुगति में जाएं, यही सबको इकट्ठा करें। और सबको इकट्ठा करके, और इनकी एक विशेषता यह है कि ये उड़िया बोलना भी जानते हैं। तो जहां पर ऑक्ट्राई में टोल टैक्स देते समय जब सीमा बदलती है, गौर देश की बंगाल की सीमा पर सीमा बदल करके उड़ीसा की सीमा आती है, अब वहां पर चाहिए कोई उड़िया बोलने वाला, और ये उड़िया भी जानते हैं। तो ये कहीं बातचीत करके और व्यवहार करके नेगोशिएशन करके कम बेशी करके और ये सबको सीमा पार करा देते हैं। टोल टैक्स जो है वो टोल टैक्स का सारा पार करा देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे तो वो पार करा देते हैं। ऐसे ये कुशल है सबकी व्यवस्था। अब एक नाव आई, नदी आई, इनके चरित्र में आता है। एक बार नदी आई और एक कुत्ता भी इनके साथ में जा रहा है। हाँ, गौर देश से कुत्ता भी इनके साथ में लग गया। तो इतने कृपालु कि उस कुत्ते के भी सब पूरी भोजन की व्यवस्था का ध्यान रखें कि उसने भोजन क्या देने, उसको भी प्रसाद पवा करके फिर सबसे बाद में प्रसाद पाया। इतने उदास शिवानंद सेन। फिर शिवानंद सेन की एक चरित्र है कि वो नाव जो था उसको पार करना था, नाव से नदी पार करनी थी। अब वो नाव वाला अटक गया कि मेरी नाव कुत्ते को पार कराने के लिए नहीं है, आदमी को पार कराने के लिए है, मैं इसको नहीं ले जाऊंगा। और उसे कहने नहीं भाई ये हमारे साथ में आया, ये भी हमारे साथ में जाएगा, ऐसा नहीं है, हम इतने लोग पार कर रहे हैं इसको भी पार कराना पड़ेगा, वरना इसका किराया अलग लगेगा। और मैं ऐसे नहीं, बोले हम तुझे दुगना किराया देंगे। तो पार उतराई, दुगनी प्रदान की अपनी जेब से उस कुत्ते के लिए। और वो कुत्ता उसको लेकर के जगन्नाथपुरी गए, और जगन्नाथपुरी में जाकर के दूर से महाप्रभु का दर्शन करके प्रसाद इत्यादि पाकर के वो कुत्ता अंतर्धान हो गए।
फिर वो मिला ही नहीं, कहां गया पता। ये शिवानंद सिंह जी की ऐसी महिमा, इतने उदार होकर के ये विराजमान। तो कुत्ते के लिए भी जिन्होंने दोहरा किराया दिया, नाक का किराया दोबारा प्रदान किया। तो शिवानंद सेन प्रभु भृत्य अंतरंग प्रभु स्थाने यायित सभे लवेन या संग, प्रभु के स्थान जाने के लिए माने उड़ीसा श्री जगन्नाथपुरी जाने के लिए सब लोग श्री शिवानंद सेन इनका ही संग प्राप्त करें और ये सबको संभाल करके ले जाए। उड़िया जानने वाले हैं, इसलिए उड़ी वहां पर जहां भी चुंगी का अवसर आए वहां पर उड़िया बोल करके और ये सबसे सबको संभाल करके और उनसे बातचीत करके राजघाट जब कोई घूस मांगे उसके हाथ में भी चतुर आदमी चाहिए जरा बातचीत करने वाला, नेगोशिएशन करके उनसे घटा बढ़ाई करके और सबको पार कराए। प्रतिवर्ष प्रभु गण संगते लगिया नीलाचल चले इन पथे पालन करिए। क्या उदार, ये जो दशम परिच्छेद है ये तो बिल्कुल भक्तमाल है। महाप्रभु की जितने भी पद कर सबों की कहीं छोटे छोटे से नाम और उनके लिए जो विशेष लीला है उसका कहीं संकेत किया कहीं नहीं किया, जरा जरा सा संकेत करके और श्री महाप्रभु की अनंत भक्तों की जो लीला है उनका गायन कर रहे हैं। प्रतिवर्ष प्रभु गण संगते लिया, प्रभु के जितने भी भक्तगण हैं उनको प्रतिवर्ष अपने संग में लेकर के नीलाचल चले पथे पालन करिया। ये नीलाचल चलते हैं और रथ में सबका पालन करते हैं, सबके भोजन की व्यवस्था, सबके टेंट की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सबके यात्रा के किराए की व्यवस्था सब ये करते हैं। भक्ते कृपा करें प्रभु यही तीन रूपे साक्षात आवेश आविर्भाव रूपे, श्री प्रभु तीन रूपों में भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, कभी साक्षात कृपा करते हैं, कहीं आवेश के रूप में और कभी आविर्भाव के रूप में। आवेश कहते हैं किसी व्यक्ति में भगवान का कहीं आवेश होना, उसका नाम है आवेश होता है। किसी एक व्यक्ति में भगवान का कोई शक्ति विराजमान हो जाए उसका नाम है आवेश होता है। जैसे श्री कल्कि ये आवेश अवतार है, श्री पृथु आवेश अवतार है, माने पृथु में भगवान की पालनी शक्ति आ गई है, कोई जीव परंतु किसी जीव में भगवान की शक्ति का आगमन होना उसका नाम है आवेश अवतार। तो ये आवेश अवतार तो श्री प्रभु तीन प्रकार से कृपा करते हैं, कभी साक्षात रूप में कृष्ण रूप में नृसिंह कृष्ण ये बन करके अवतार धारण करके व्यास ये अवतार धारण करके विराजमान, व्यास साक्षात ईश्वर है, परंतु श्री नारद संकारिक ये नारद बुद्ध ये कल्कि ये सब आवेश अवतार हैं, किसी जीव में भगवान का आवेश होता है। तो कभी आवेश रूप में और कभी आविर्भाव। आविर्भाव कैसे, जैसे ब्रज में गोपिकागण अत्यंत व्याकुल हो रही है कृष्ण वियोग में और उस समय एकाएक ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाए तो उसका मतलब है आविर्भाव। विरह में श्री प्रिया व्याकुल होकर के मूर्छित होकर के गिरे और उसी समय श्याम सुंदर कहीं आविर्भाव हो गया, श्याम सुंदर प्रकट हो गए और आविर्भाव होकर के दर्शन दे गए। तो तीन अवतार है साक्षात आवेश और आविर्भाव। साक्षात में कृष्ण साक्षात आते हैं मथुरा से ऐसे ब्रज में लौटना ये साक्षात आपका आगमन। आवेश का मतलब है किसी व्यक्ति में अपनी शक्ति का स्थापन करके भेजना, ये हो गया आवेश अवतार। जैसे श्री उद्धव ने श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है या कल्कि हैं, जैसे श्री बुद्ध हैं पृथु हैं, ये सब आवेश अवतार हैं, जीव में भगवान की किसी शक्ति का स्थापन ये आवेश अवतार होंगे। और आविर्भाव का मतलब है कि जहां श्री प्रभु कभी सामने प्रकट हो जाए उसका मतलब है आवेश अवतार, ये आविर्भाव आविर्भाव होकर के विराजमान। इनमें
साक्षात सकल भक्त देखे निर्विशेष नकुल ब्रह्मचारी देहे प्रभु आवेश। श्री नकुल ब्रह्मचारी में भगवान का आवेश हुआ, साक्षात रूप में सारे भक्तों ने निर्विशेष माने विशेष रूप से देखा, एक एक चीज मिलाकर के यों की त्यों, निर्विशेष माने यों की त्यों सबने भक्तों ने देखा कि नकुल ब्रह्मचारी के देह में श्री महाप्रभु का आवेश हो गया और उनका आकार भी आकार प्रकार भी महाप्रभु से मिलने लगा, चेहरे की शक्ल भंगिमाएं वे भी महाप्रभु से मिलने लगी, वैसी बोली स्वर योग्य क्यों वैसा का वैसा। तो संकीर्तन करने में श्री नकुल ब्रह्मचारी, उन नकुल ब्रह्मचारी में भगवान का ही आवेश, श्री गौर हरि का ही आवेश प्रकट हो गया और संकीर्तन में नकुल ब्रह्मचारी बिल्कुल वैसा ही आचरण कर रहे हैं जैसा कि महाप्रभु करते हैं और वही आवाज वही चेहरे का रूप भी लगभग वैसा ही हो रहा है। तो वो आवेशता निरूपण किया, बहुत सारे महाप्रभु के प्रकरण में आवेश अवतार होकर के विराजमान, महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में श्री नरोत्तम श्रीवास और श्यामानंद प्रभु, इन तीनों ने फिर वृंदावन से जितने भी ग्रंथ हैं रूप सनातन के जीव गोस्वामी जी के सारे ग्रंथ तब तक सब अंतर्धान हो गए थे और वृंदावन में तो बहुत साहित्य लिखा गया, बाहर भी लिखा गया, परंतु वृंदावन के साहित्य को ऋषि रूप सनातन इत्यादि के जो साहित्य है उनको रघुनाथ दास गोस्वामी इनके चाहे साहित्य को श्रवण करने की और उनका यश सुन करके सारे उड़िया और गौड़िया इन दोनों के हृदय में बड़ी अभिलाषा थी कि हम तो वंचित ही रह गए, सुना है बहुत सुंदर साहित्य श्री गुरु गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। अब गुरु गोस्वामी जिस समय रथ यात्रा के प्रसंग पर मिले थे महाप्रभु से, उस समय प्रथम मिलन के जो द्वितीय इनकी जो यात्रा हुई श्री गुरु गोस्वामी जी की, उस समय कुछ लोगों ने सुना भी था, महाप्रभु ने जिस समय रूप गोस्वामी जी से वार्तालाप किया एक तरह से रूप गोस्वामी जी पूरी बाइबाघोषी हुई, बिल्कुल मौखिक परीक्षा हुई, सारे एग्जामिनर बैठे हुए हैं, महाप्रभु चेयरमैन बनकर के बैठे हैं चेयरपर्सन बनकर के, और एक और स्वरूप दामोदर, एक और कहीं बैठे हैं राय रामानंद, सारू भट्टाचार्य, सारे भक्तगण विराजमान है और प्रश्न किए जा रहे हैं अच्छा कौन सा नाटक लिख रहे हो, में ललित माधव विदग्ध माधव लिख रहा हूं, बोले अच्छा विदग्ध माधव में जरा सुने तुमने क्या नांदी नांदी में क्या लिखा है, नांदी श्लोक का पाठ करो, अब विदग्ध माधव के नांदी श्लोक पढ़ रहे हैं, बोले अच्छा ये बताओ प्रीति कैसे उत्पन्न हुई, उसका बिंदु कहाँ है, बीज कहाँ है, बिंदु कहाँ है, उसमें पताका कौन सा है, पताका स्थान कौन सा है, पताका कौन सी है, उसमें प्रकृति कौन सी है, मुख संधि कहां पर हुई है, मुख संधि का कोई प्रसंग वर्णन करो, निर्वहन संधि का कोई प्रसंग वर्णन करो, तो सब पूछ रहे हैं और श्री रूप गोस्वामी जी उस समय सुना रहे हैं, रूप गोस्वामी जी के अक्षर उनको देख करके महाप्रभु अत्यंत आनंद और ऐसा लग रहा है कि वो वर्णन किया कबराई ने कि रूप के अक्षर जैसे मोती की पंक्ति, इतने सुंदर अक्षर ऐसी पंक्ति, एक लाइन लिखते हैं तो तीन बार कटिंग होती है, तीन बार मिटाई मिटी होती है, ये नहीं यो नहीं का नहीं के करो के नहीं की करो की नहीं को करो ये सब करना पड़ता है, एक लाइन साफ साफ नहीं लिख पाती है और कहीं एक कटिंग नहीं, रूप को समझ के मोती की पंक्ति जैसे पूरे अक्षर, यह है इन रसकों की विशेषता इनके काव्य। कहते हैं जहां पर खुले में लिखते थे वहां पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी जी वर्षा उस समय नहीं पड़ती थी, उनको छोड़कर के चारों वर्षा पड़ेगी, वो जहां लिख रहे हैं वहां वर्षा नहीं पड़ेगी, ऐसी इनकी स्थिति। तो ये तो नकुल ब्रह्मचारी के का प्रसंग चल रहा है 55वीं पायाल के, साक्षात सकल भक्त देखे निर्विशेष
साक्षात में ही जितने भी भक्तगण है वो निर्विशेष रूप में पूर्णता देखते हैं कि नकुल ब्रह्मचारी देह प्रभु का आवेश, नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में महाप्रभु का आदेश आवेश हो रहा है और वे प्रेम का दान कर रहे हैं, महाप्रभु का आकार महाप्रभु की चेष्टाएं और जो महाभाव के लक्षण हैं वे नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में भी प्रकट हो रहे हैं। पहले इनका नाम प्रद्युम्न ब्रह्मचारी था, फिर पहले एक दूसरे हैं प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, महाप्रभु ने इनका नाम ही नृसिंहानंद रख दिया है। तो नृसिंहानंद नाम प्रभु पाचित राखित, पीछे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी इनका ही नाम नृसिंहानंद ब्रह्मचारी हो गया है, नृसिंहानंद हो गया है। ताहाते हैं चैतन्य आविर्भाव, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव रूप में वहां पर दर्शन हुआ। श्री नृसिंहानंद जो है ये एक दिन शिवानंद के घर में विराजमान है, शिवानंद सेन के में, और वहां पर श्री चैतन्य श्री शिवानंद सेन ने देखा कि नृसिंहानंद जो है उन नृसिंहानंद के शरीर में भी श्री महाप्रभु का आविर्भाव हो रहा है। तो श्री चैतन्य के आविर्भाव रूप में दर्शन हुए। अलौकिक ऐसे प्रभु अनेक स्वभाव, श्री प्रभु के ये अद्भुत स्वभाव में बाद में नृसिंहानंद जी को भी माने श्री शिवानंद सेन को भी श्री महाप्रभु का दर्शन हुआ, दर्शन कराया। तो महाप्रभु के अनेक अनेक आविर्भाव उस समय विराजमान। आस्वादित सब रस शिवानंद, विस्तार कहे आगे ये सब आनंद। श्री प्रभु के ये तीनों जो साक्षात अवतार आवेश अवतार और आविर्भाव अवतार, इन तीनों स्वरूपों को श्री शिवान से उनको इन तीनों स्वरूपों की दर्शन हुए, तीनों की कृपा प्राप्त हुई। इसका अंत लीला में हम दायर करेंगे, माने कविराज भूषण कह रहे हैं आगे इसका विस्तार निरूपण करेंगे। श्री महाप्रभु में ये तीनों स्वरूप विराजमान। तो कभी शिव ग्रह के रूप में महाप्रभु विराजमान हो जाएं, कभी साक्षात रूप में श्रीमद महाप्रभु का आगमन। अब जैसे महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद में जिस समय खेतुड़ी उत्सव श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने किया, तो उस खेतुड़ी उत्सव में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब अंतर्धान हो गए थे, परंतु वहां पर सब देख रहे हैं कि श्री महाप्रभु साक्षात रूप से प्रकट होकर के नृत्य कर रहे हैं खेतुड़ी उत्सव। ऐसे ही श्री गंगादास पंडित, उनके यहां पर श्री महाप्रभु साक्षात आप विराजमान, उनके घर पे जा रहे हैं और साक्षात रूप से कई विराजमान हो रहे। तो महाप्रभु का ये आविर्भाव अनेक अनेक जगह विराजमान हो रहा है। शिवानंद उपशाखा पार परिकार, और शिवानंद सेन जो है उनकी उपशाखा का क्या वर्णन किया जाए, उनके अनेक अनेक प्रकार हैं। इनमें श्री चैतन्य दास, रामदास और कर्णपुर, ये तीन इनके पुत्र हुए। पहले कर्णपुर जो है उनका नाम श्री ईश्वरपुरी जी की कृपा के द्वारा उनके आशीर्वाद से हुआ, इसलिए पुरी दास करके इनका नाम रखा। इनका नाम तो था पुरी दास, तो बाद में इनका नाम कर्णपुर हो गया। कर्णपुर होने की भी एक लीला है। महाप्रभु जिस समय आए उस समय श्री शिवानंद सेन ने अपने छोटे बालक उस पुरी दास को, 4-5 वर्ष के हैं, और उनको महाप्रभु के चरणों में लटा दिया।
चार पांच फैक्ट्री भी और भी छोटे थे और उनसे महाप्रभु उस बालक को चरणों में लेटा हुआ देख करके कह रहे हैं कृष्ण कहे कृष्ण कहे, और वो बालक जो है वो कृष्ण नाम का उच्चारण भी कर रहा है। उस समय सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज आपने तो लताओं को सिंह को भी कृष्ण कृष्ण कहकर के सिंह भी नाचने लगे और ये बालक क्यों नहीं बोल रहा है, कृष्ण नाम का उच्चारण क्यों नहीं कर रहा है। तब किसी ने कहा बोले महाराज आपने महाप्रभु स्वयं बोले कि मैंने सबको बुलवाया ये बालक क्यों नहीं बोल रहा है। उस समय वहां पर विराजमान जो भक्त थे उन्होंने कहा बोले महाराज आपके मुख से कृष्ण नाम सुनकर के बालक ने मंत्र रूप में कृष्ण नाम को ग्रहण किया है और षटकर्ण ही विद्यते मंत्र, पुरानी शास्त्र की मर्यादा है कि यदि गुरु मंत्र छह कानों में पड़ जाए तो वो कहीं उसमें भेद हो जाएगा, छेद निकल आए, वो प्रभावशाली नहीं रहेगा, इसलिए गोपनीय समझ करके कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं कर रहा है। महाप्रभु कह रहे हैं नहीं कृष्ण कहे कृष्ण कहे, और ऐसा कहकर के महाप्रभु ने जब अपना चरण का अंगूठा आगे किया तो उस बालक पुरी दास ने छोटे से 3 वर्ष 4 वर्ष का बालक है और श्री महाप्रभु के चरण को चरण के अंगूठे को मुख में लेकर के और खूब चुसुर चुसुर चूस रहा है, चूस करके उसके मुख से एक श्लोक अपने आप उस समय बाल्यावस्था में निकला, दुग्ध मुख बालक उसके मुख से एक श्लोक निकल रहा है कि शिव सो कुबल मक्षो मन्यन मुरस महेंद्र मणधामा वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरिर जय। बोले श्री हरि की जय हो, शिव सो कुबल श्री प्रिया जी के जितने भी श्रृंगार हैं वे सब कृष्ण रूप ही हैं। शिव सो कुबल कान में प्रिया ने जो कान में कुंडल धारण कर रखे हैं, सोने का जो कुबल माने कमल धारण कर रखा है कान में, वो भी कृष्ण है, कृष्ण ही इनके कान के कुंडल बन करके विराजमान है। श्रव सो कुबल और अक्षरो अन्यनम नेत्र में जो कज्जल है कृष्ण ही नेत्र में काजल बन करके विराजमान है, और उरस महेंद्र मणिधामा वक्षस्थल में इन्होंने जो हार पहन रखा है वो महेंद्र मणि उसकी माला इंद्रनीलमणि की माला, वो भी कृष्ण ही इंद्रनीलमणि की माला बनकर के विराजमान है। इस प्रकार वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम वृंदावन की जो तरुणी है उनके कृष्ण ही कर्णपूर बनकर के विराजमान है, अखिल मंडन बनकर के काम के कर्णपूर।